please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के पार होकर 80 रुपए 38 पैसे तक पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 51 पैसे हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने हथियार छीनने की कोशिश को नाकाम कर रहे एक आतंकी को ढेर कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनोखी रणनीति अपनाते हुए श्रीनगर में शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा कर रही भीड़ में कुछ जवानों को पत्थरबाज बनाकर भेजा और पत्थरबाजी कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 16 सितंबर से जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाने का ऐलान करते हुए दावा किया कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी वहां सामाजिक तालमेल भी कम हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर इशारों में तंज कसते हुए कहा कि औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला और जो अपने चाचा और पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। यूपी की सरकारी योजना में बीमा की रकम के लिए किसानों के परिजनों से रिश्वत की मांग, न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाटीदारों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर 15 दिन से अनशन करने की वजह से बीमार पड़े हार्दिक को उनकी इच्छा के मुताबिक सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के बेगूसराय में एक छात्र को अगवा करने की कोशिश के आरोप में 3 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इलाहाबाद के कोराम में भोगन घाट पर एक नाव के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलाए गए बचाव अभियान में 14 लोगों को बचा लिया गया, जबकि लापता 3 लोगों की तलाश जारी। बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर लोगों में डर दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि वो अमेरिका में हो रहे विभाजन के लक्षण है, ना कि उसकी वजह। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 39 पैसे और डीजल के में 43 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, यानी दिल्ली में पेट्रोल अब 80 रुपये 38 पैसे लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 72 रुपये 51 पैसे हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कमर तक भरे पानी के बीच से होकर कुछ लोग सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ गए, जबकि वाराणसी के शहरी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पानी भर जाने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। किसी को हम लोग मदद करके पहुंचा रहे हैं, आपस में इनको वो मदद कर रहा है, उनको हम मदद कर रहे हैं, ऐसा ही काम चल रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से वहाँ लोग पानी के बीच ही बाइक चलाते नजर आए। बाढ़ से बेहाल लोगों ने प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, फिर दूध लाने में, सब्जी लाने में, हर चीज के दिक्कत हो रहा है। बाढ़ की वजह से इलाके के स्कूली बच्चे भी परेशान दिखे, जिन्हें सड़कों पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं गंगा घाट पर भी पानी का स्तर बढ़ जाने से लोग परेशान दिखे, क्योंकि बाढ़ का पानी गंगा घाट के ऊपर पहुंच जाने की वजह से वहां की सीढ़ियों तक पानी में डूब गई। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई और जिलों का हाल भी खराब दिखा, जिनमें कानपुर भी शामिल है, जहां सरकारी अफसरों ने कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री बांटी। लगभग 1200 परिवार प्रभावित हैं और सभी लोगों को राहत सामग्री देने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर, उन्नाव और फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ित इलाकों का हेलीकॉप्टर के जरिए दौरा किया। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से सड़क पर हुए गड्ढों को मजदूर मिट्टी से भरने लगा। वहां के मीनाक्षी ओवरब्रिज के पास बनी सड़क पूरी तरह से खराब हो गई, जिसे अच्छी तरह बनाने की बजाय उस पर मिट्टी डालकर खानापूर्ति करने की कोशिश की गई। इस बीच सड़क के गड्ढे भरने वाले मजदूर ने बताया कि इंजीनियर के कहने पर वो गड्ढों को मिट्टी से भर रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के लिए 500 करोड़ का एक बजट रखा है और जिसमें प्रमुखता से कहा गया है कि हमारा गड्ढा मुक्त का जो नारा था वो पूर्ण कराया जाए।
अभी आप अलीगढ़ की हालात देख रहे हैं कि इस पुल पर खेतों की मिट्टी रोड़ी और वो कचरा डाला जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के साथ गाजियाबाद के लोगों के लिए भी मेट्रो का सफर और आसान होने वाला है, क्योंकि DMRC जल्द ही पिंक लाइन मेट्रो के एक हिस्से पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने वाला है। इसके तहत पिंक लाइन्स के रूट पर शिव विहार से त्रिलोकपुरी के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। करीब 18 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 3 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होंगे। इंटरचेंज वो स्टेशन होते हैं जहां से यात्री अलग अलग रूटों पर चलने वाली मेट्रो की अदला बदली कर सकते हैं। शिव विहार से त्रिलोकपुरी के बीच 3 इंटरचेंज स्टेशन वेलकम, आनंद विहार और कड़कड़डूमा। इनमें वेलकम स्टेशन पर यात्री पिंक लाइन और रेड लाइन के लिए मेट्रो इंटरचेंज कर पाएंगे, जबकि आनंद विहार और कड़कड़डूमा में पिंक लाइन और ब्लू लाइन की मेट्रो इंटरचेंज करने की सुविधा होगी। पिंक लाइन मेट्रो के रूट पर वेलकम इंटरचेंज पॉइंट के शुरू होने के बाद वेलकम से कड़कड़डूमा की दूरी सिर्फ 8 मिनट ही में तय कर ली जाएगी। फिलहाल सड़क के रास्ते वेलकम से कड़कड़डूमा पहुंचने में 46 मिनट का वक्त लगता है। वेलकम में पिंक लाइन और रेड लाइन मेट्रो स्टेशनों को 90 मीटर लंबे फुटओवर ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। इंदौर की एबी रोड पर एक आदमी अपनी बाइक को खड़ा करके पास में मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को अपनी ओर खींचने लगा। पुलिस का दावा है कि हाथापाई करने वाला आदमी गलत दिशा में बाइक पर जा रहा था, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और बाइक के कागज मांग लिए, जिस पर इस आदमी का गुस्सा फूट पड़ा और वो पुलिस वाले से उलझ गया। इस दौरान उसने ट्रैफिक पुलिस के जवान का कॉलर पकड़ लिया और उनके साथ हाथापाई करने लगे, जिसके बाद पुलिस वाले ने अपना बचाव करने के लिए आरोपी के साथ खींचतानी की। लेकिन इतने में इस आदमी के साथ मौजूद उसके पिता ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मामले को बढ़ता देख वहां भीड़ जुट गई और लोग बीच बचाव करते नजर आए। इस दौरान इन लोगों में शामिल एक व्यक्ति भी आरोपी से भिड़ गया। बाद में एक दरोगा ने वहां पहुंचकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। काफी देर चले इस हंगामे के बाद हाथापाई करने वाले आदमी का चालान काटकर मामले को शांत करवाया गया। अखाड़ा परिषद ने 20 फर्जी बाबाओं की लिस्ट इलाहाबाद प्रशासन को सौंपी। इलाहाबाद कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद ने 20 बाबाओं को फर्जी बताते हुए एक सूची प्रशासन को सौंप दी, जिसके बाद इन सभी को कुंभ में पंडाल लगाने की जगह नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त करने और सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले कुलपतियों को रिपोर्ट देने के साथ क्लास में पढ़ाने के भी निर्देश दिए। पुणे के यलगार परिषद मामले की जांच NIA को ट्रांसफर करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े दस्तावेज मांगते हुए सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के ST के दर्जे को रद्द करने पर रोक लगाने और नए सिरे से जांच करवाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने आगरा दौरे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे, जहां वो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर लाए गए अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। शाहरुख खान को अपने छोटे बेटे अबराम के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को त्रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के इस जश्न को इस्लाम के खिलाफ बता दिया, क्योंकि शाहरुख खान ने पूरे धूमधाम से अपने बेटे अबराम के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था। इस दौरान शाहरुख ने दही हांडी फोड़ने में अबराम की मदद भी की थी। शाहरुख को जन्माष्टमी मनाते देख कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया। एक दूसरे के साथ इंसानियत की बेस पर शरीक होना चाहिए, उस रस्म को अपने यहाँ बनाना या उसके शरीक होना आदमी को उस धर्म से निकाल देती है। वहीं देवबंद के एक उलेमा ने तो शाहरुख खान को इस्लाम धर्म से बाहर करने का ऐलान कर दिया और दोबारा मुस्लिम बनने के लिए उनके सामने कलमा पढ़ने की शर्त रख दी। शाहरुख खान अगर दोबारा से अपने आप को इस्लाम में लाना चाहते हैं, वो तौबा करें अल्लाह से, तौबा करने के बाद इस्लाम में कलमा पढ़ते हुए शरीक हो सकते हैं। हालांकि शाहरुख की पुरानी दलील है कि धर्म एक निजी मामला है और इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज से इंट्रोड्यूस जरूर करा दी। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे एक उस रेफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। शाहरुख खान पहले भी बता चुके हैं कि उनके घर में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। उनके घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और वहीं कुरान भी रखी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया।
जो अपने बाप और अपने चाचा का नहीं हुआ, वो आज आपको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा इतिहास में एक पात्र आते हैं, कैसे उन्होंने अपने बाप को कैद करके रख दिया था, और इसीलिए कोई भी मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ गया है।